अगर अब मैं कैमरे को इस तरफ करूँ तो आप सामने में देख सकते हो, वो जो आप पूरा एरिया देख रहे हो वो यूनिट नंबर 1 की ESP का एरिया है, और ये यूनिट नंबर 2 की ESP है, और ये पास सी एंड डी के बीच का एरिया है, और दोनों तरफ में CRA मोटर लगी हुई है। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। और अब मैं आपको ESP के टॉप एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ इस लैडर के थ्रू। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है इनर रूफ, और इसी इनर रूफ से इस एरिया को कवर किया जाएगा। जो आप एरिया खाली अभी वीडियो में देख रहे हो, इस एरिया को इस इनर रूफ से कवर किया जाएगा। बाकी का एरिया कवर हो चुका है। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, ये जो ड्रेन लाइन रिमूव किया है हम लोगों ने, HVR ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है जिसे ड्रेन किया जाता है, तो इसे भी कनेक्ट किया जाएगा। फील्ड नंबर 1 और 2 का हम लोगों ने पूरा रिमूव कर दिया था, वापस एज इट इज उसे कनेक्ट किया जाएगा। ये हाउसिंग को क्लीन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसे क्लोज किया जाएगा। ये है केबल ट्रे, ये पूरी तरीके से बेंड है, इसे सही किया जाएगा। ये है इंसुलेटर की हाउसिंग, सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग, इसे भी क्लीन करके कवर किया जाएगा। इसमें से सारे जे बोल्ट को निकालना है, जिसे हम लोग लिफ्टिंग टूल बोलते हैं, ये सारे लिफ्टिंग टूल को निकालना है। इसके अलावा ERA मोटर को डिसमेंटल करके हम लोगों ने रखा है, इसे भी असेंबल किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ ESP से रिलेटेड। तो आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एंड गाइज, अगर आपका कोई सवाल हो पावर प्लांट से रिलेटेड, ESP से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। एंड गाइज, अगर आप पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मेंशन करो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो शेयर करूं आप लोगों से। इस वक्त मैं ESP के मिडिल एलिवेशन पर हूं। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये ESP के मिडिल एलिवेशन का एरिया है। अगर मैं कैमरे को इस तरफ करूं तो आप आसानी से देख के समझ सकते हो, ये ESP का मिडिल एलिवेशन है, और ये दोनों तरफ में CRA मोटर लगी हुई हैं जो ऑलवेज ESP के मिडिल एलिवेशन पर लगी होती हैं। और ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हो, ये पास सी एंड पास डी के बीच का एरिया है, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बिकॉज सारा आपको सेम देखने को मिलेगा ESP के मिडिल एलिवेशन पर। अगर आप पास AB के बीच में जाओ, BC के बीच में जाओ या CD के बीच में जाओ, तो आपको सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ ऐसे ही देखने को मिलती हैं। और अगर अब मैं कैमरे को इस तरफ करूँ तो आप सामने में देख सकते हो, वो जो आप पूरा एरिया देख रहे हो वो यूनिट नंबर 1 की ESP का एरिया है, और ये यूनिट नंबर 2 की ESP है, और ये पास सी एंड डी के बीच का एरिया है, और दोनों तरफ में CRA मोटर लगी हुई है। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। और अब मैं आपको ESP के टॉप एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ इस लैडर के थ्रू। क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है ESP के टॉप एलिवेशन पर, वो आपसे शेयर करता हूँ। सो आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इस वीडियो में ESP से रिलेटेड। तो चलो अब बिना किसी देरी के फटाफट इस लैडर के थ्रू ESP के टॉप एलिवेशन पर चलते हैं, और वहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है वो आपसे शेयर करते हैं। गाइज, अब मैं आ चुका हूँ ESP के टॉप एलिवेशन पर। जैसा कि वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो, ये ESP के टॉप एलिवेशन का व्यू है। ये सामने की तरफ ERA मोटर, ये सारे HVR ट्रांसफार्मर, ये सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग, और अभी अभी मैं जस्ट उस लोकेशन से आया हूँ, वो जो आप नीचे की साइड में देख रहे हो मिडिल एलिवेशन, वहाँ से मैं इस लैडर के थ्रू ऐसे ऊपर तक आया हूँ। और अब मैं आपको उस एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ESP रेस्टोरेशन वर्क से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है। गाइज, अब मैं आ चुका हूँ फील्ड नंबर 1 और 2 की तरफ, जहाँ पर इस वक्त रिस्टोरेशन वर्क का काम हो रहा है। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है इनर रूफ, और इसी इनर रूफ से इस एरिया को कवर किया जाएगा। जो आप एरिया खाली अभी वीडियो में देख रहे हो, इस एरिया को इस इनर रूफ से कवर किया जाएगा। बाकी का एरिया कवर हो चुका है। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, ये लास्ट पीस है इनर रूफ का, जिसे इस एरिया को कवर किया जाएगा। ये जो आप पूरा का पूरा खाली एरिया देख रहे हो, इसे पूरा इरेक्शन का काम हुआ है। ये इंटरनल फील्ड का एरिया है जो आप ऊपर की साइड से देख रहे हो ESP के टॉप एलिवेशन से। सपोर्टिंग बीम लगा हुआ है,
कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, उसके अलावा कलेक्टिंग फ्रेम, एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं अंदर की साइड में, और इस एरिया को कवर किया जा रहा है इस इनर रूफ से। इस इनर रूफ के ऊपर में इंसुलेशन लगाया जाएगा, देन उसके ऊपर आउटर रूफ। गाइस, वीडियो का बैकग्राउंड में नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा हो रही होगी, सो उसके लिए सॉरी। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आज सुबह सुबह ही यूनिट लाइट अप हुई है। कल सडनली ऐसा हुआ कि यहाँ की दोनों यूनिट ट्रिप कर गई थी, तो उसे आज सुबह लाइट अप किया गया है। और तब ऐसा होता है, जब भी कोई यूनिट लाइट अप होती है तब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, और इस वक्त जो वीडियो में नॉइज़ हो रही है वो यूनिट लाइट अप की वजह से ही हो रही है। पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँ, ऐसा ना हो कि आप लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। नॉइज़ कम हो या ज़्यादा, पर मेरी कोशिश यही होगी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इस इनर रूफ की, तो ये इनर रूफ वहाँ पर रखा हुआ था और उससे पहले वो उस साइड में रखा हुआ था, तो सब चैन ब्लॉक से उस एरिया से उठा के यहाँ लाया गया, उसके बाद उसे यहाँ शिफ्ट किया गया है। किस तरह से शिफ्ट हुआ है आप वीडियो में देख सकते हो। वायर रूप लगी हुई है, उसमें हैंग हो रहा है ये पुली, पुली से कनेक्ट है चैन ब्लॉक, चैन ब्लॉक से कनेक्ट है ये पूरा का पूरा इनर रूफ। ये अंदर की साइड में आप देख सकते हो, ये सपोर्ट बीम है कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, उसके नीचे भी ये सपोर्ट बीम है, उसके नीचे में कलेक्टिंग फ्रेम, उसके नीचे एमिटिंग फ्रेम, उसके नीचे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो ये सारा कुछ एरेक्शन हो चुका है और अब इस एरिया को कवर किया जा रहा है। इसके ऊपर इनर रूफ लगेगी, ये जो आप इनर रूफ देख रहे हो, इस इनर रूफ के ऊपर में इंसुलेशन, देन उसके ऊपर आउटर रूफ लगाई जाएगी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये फील्ड नंबर 2 का एरिया है, सेक्शन 2 जिसे बोल सकते हैं। ये सेक्शन 2 का ERM मोटर जो इस वक्त वीडियो में आप देख रहे हो, और उस तरफ में सेक्शन 1 का एरिया जो कवर हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ी देर में लेकर चलूँगा उधर। और बात करूँ फील्ड नंबर 1 की, तो फील्ड नंबर 1 में इनर रूफ, इंसुलेशन और आउटर रूफ सारी चीज़ें लग चुकी हैं। उसके अलावा ये जो ड्रेन लाइन रिमूव किया हम लोगों ने, HVR ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है जिसे ड्रेन किया जाता है, तो इसे भी कनेक्ट किया जाएगा। फील्ड नंबर 1 और 2 का हम लोगों ने पूरा रिमूव कर दिया था, वापस एज अ इज इसे कनेक्ट किया जाएगा। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है गाइस, लाइक ये जो आप केबल ट्रे देख रहे हो इसको सही किया जाएगा। ये कितनी बुरी कंडीशन में आप वीडियो में देख सकते हो, पूरी तरह से बेंड हो चुकी है ये दोनों केबल ट्रे, उसके अलावा ये बड़ी वाली केबल ट्रे, तो ये वाली केबल ट्रे, ये सभी को सही किया जाएगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी केबल ट्रे हैं जिसे रिमूव किया गया है, उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर लगाया जाएगा। उसके अलावा ये जो आप हाउसिंग देख रहे हो, ये सारी हाउसिंग को क्लीन किया जाएगा, फिर इसको कवर किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पर ट्रांसफार्मर के नीचे में जो बेस लगा होता है उसे शिफ्ट किया जाएगा। ये जो आप HVR ट्रांसफार्मर देख रहे हो, ये सभी को शिफ्ट किया जाएगा जो आगे की साइड में रखे हुए हैं। उसके अलावा ये आउटर रूफ लगाया जाएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटी है जिसे एक एक कर कंप्लीट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ESP रिस्टोरेशन वर्क में जो इरेक्शन वर्क का काम था वो कंप्लीट हो चुका है 100%। सिर्फ थोड़े बहुत काम है ESP इंटरनल में जो इस वक्त अंडर प्रोग्रेस में है, जो छोटी छोटी एक्टिविटी है वो की जा रही है। अब जो ESP का टॉप एलिवेशन का काम है वो एक एक कर कंप्लीट किया जा रहा है, मतलब कि चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। जो चीज़ हम लोगों ने जहाँ से रिमूव की थी वापस से उसे एज इट इज़ वैसे ही लगाया जा रहा है। जैसे ये इनर रूफ हम लोगों ने रिमूव किया था, इसे लगा रहे हैं, इसके ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर आउटर रूफ। जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोगों ने पूरा रिमूव किया था, इनर रूफ, आउटर रूफ, इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ पहले की जैसे लग चुकी है। 100% वेल्डिंग भी हो चुकी है। अब इस इनर रूफ की 100% वेल्डिंग होना बाकी है, उसके बाद इंसुलेशन लगाया जाएगा, फिर आउटर रूफ लगेगा, उसकी 100% वेल्डिंग होगी, ये सारे केबल ट्रे को सही किया जाएगा। उसके बाद जो ड्रेसिंग होती है केबल की वो की जाएगी, ये हाउसिंग को क्लीन किया जाएगा, इसे कवर किया जाएगा, जो HVR ट्रांसफार्मर जहाँ से हटाए गए थे उसे वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। ये आउटर रूफ लगेगा यहाँ से हटा के। और ये जो आप सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग देख रहे हो, इसमें से सारे जे बोल्ट को निकालना है, जिसे हम लोग लिफ्टिंग टूल बोलते हैं, ये सारे लिफ्टिंग टूल को निकालना है। एंड गाइस, ये सामने की तरफ में देखो, फाइनली जो इनर रूफ का लास्ट पीस था उसे कंप्लीट लगा दिया गया है, मतलब इस एरिया को कवर कर दिया गया है। अब ये एरिया बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे इधर का एरिया है। तो कहने का मतलब ये है कि फील्ड नंबर 2 का इनर रूफ का काम कंप्लीट हो चुका है, इनर रूफ को लगा दिया गया है, अब इसकी 100% वेल्डिंग होना बाकी है। गाइस, अब आप इस तरफ में देखो, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये फील्ड नंबर 2 का एरिया है जिसे इनर रूफ से कवर कर दिया गया है। सिर्फ उस वाले पोजीशन में एक इनर रूफ की प्लेट बाकी थी जिसे कवर किया जा रहा था। उसके अलावा आप आगे की तरफ में जो देख रहे हो वो आउटर रूफ है, फील्ड नंबर 1 का एरिया है जिसमें इनर रूफ, इंसुलेशन और आउटर रूफ सारी चीज़ें लग चुकी हैं। इस एरिया में सिर्फ इनर रूफ अभी लगाया गया है, अब इसकी 100% वेल्डिंग होना बाकी है। जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसके ऊपर में इंसुलेशन लगाया जाएगा, उसके
बाद आउटर रूफ लगाया जाएगा। ये जो आप इस तरफ में देख रहे हो ये सारा आउटर रूफ है फेज नंबर टू का, जिसे एक एक कर लगाया जाएगा। सेम इनर रूफ की तरह जैसे इनर रूफ लगाया गया है ठीक उसी तरह से आउटर रूफ लगाया जाएगा इस पूरे एरिया में। ये केबल ट्रे है गाइस, देखो क्या कंडीशन है केबल ट्रे की, कितनी बुरी तरीके से बेंड हुई है ये दूसरी वाली। पर आने वाले दो चार दिन के बाद जब मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो शेयर करूंगा, तब आप देखना इसकी कंडीशन बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देंगे, जैसी कंडीशन में ये पहले था बिल्कुल वैसे ही करके हमें सारी चीज़ों को हैंड ओवर करना है। एंड गाइस जो काम इस वक्त ESP के टॉप एलिवेशन पर चल रहा है यूनिट नंबर टू में, सेम वही काम यूनिट नंबर वन में हो रहा है ESP के टॉप एलिवेशन पर, मतलब कि चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है वहाँ भी। पहले हमारा काम यूनिट नंबर वन में स्टार्ट हुआ था एक हफ्ते पहले, उसके बाद यूनिट नंबर टू में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले यूनिट नंबर वन कंप्लीट होगी, उसके बाद यूनिट नंबर टू, मतलब कि आगे पीछे दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। वहाँ पर भी चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है सेम इसी तरह से जैसे इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो ये पास सी का एरिया है यूनिट नंबर टू का, और यूनिट नंबर वन में पास बी में काम चल रहा है। ये सारे VR ट्रांसफार्मर हैं दोनों साइड में, और ये पास सी का एरिया है यूनिट नंबर टू का, और इधर में पास बी और इस तरफ में पास डी। अब मैं आपको फील्ड नंबर वन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये LR बीम है और ये फील्ड नंबर वन का एरिया है, ये आउटर रूफ है। देखो इसकी अभी 100% बिल्डिंग नहीं हुई गाइस, मुझे लगा कि 100% बिल्डिंग हो चुकी है पर अभी बिल्डिंग बाकी है। इसके अलावा ERA मोटर को डिसमेंटल करके हम लोगों ने रखा है, इसे भी असेंबल किया जाएगा, अभी ये डिसमेंटल करके रखा गया है। ये बहुत सारा काम बाकी है, ये ट्रांसफार्मर की हाउसिंग है, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगी, ये हाउसिंग को क्लीन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसे क्लोज किया जाएगा। ये है केबल ट्रे, ये पूरी तरीके से बेंड है, इसे सही किया जाएगा। ये है इंसुलेटर की हाउसिंग, सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग, इसे भी क्लीन करके कवर किया जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी है, इसे एक एक कर कंप्लीट किया जाएगा। गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं बिकॉज नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा जब ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।